भारत और यूएई के बीच कारोबारी रिश्ते और मजबूत होने जा रहे हैं। दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता हुआ है, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले 5 सालों में दोनों देशों का व्यापार 100 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर होने के से दोनों देशों के व्यापार में बढ़ोतरी होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत के निर्यात लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 14 फरवरी 2022 तक हमने रिकॉर्ड तोड़ $350 बिलियन के निर्यात किए हैं और सरकार का लक्ष्य है कि इस साल के मार्च महीने तक $400 बिलियन का निर्यात करें। साथ ही इस एग्रीमेंट को लेकर उन्होंने कहा कि इससे दोनों पक्षों के लिए कारोबार के कई अवसर पैदा होंगे और हमारे द्विपक्षीय कारोबार को दोगुना करने में मदद मिलेगी। मुंबई से MKN की रिपोर्ट। हम ऑलरेडी आज तक का ऐतिहासिक रिकॉर्ड ब्रेक कर चुके हैं। 14 फरवरी तक लगभग $350 बिलियन से ज्यादा, जो आज तक कभी भी पुराने इतिहास में पूरे वर्ष में नहीं हुआ, और मार्च तक हम $400 बिलियन से ज्यादा गुड्स में यानी 30 लाख करोड़ और सेवाओं में सर्विसेज में लगभग 20 लाख करोड़ का निर्यात इस वर्ष करने जा रहे हैं, जो एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड रहेगा। और इस प्रकार की एग्रीमेंट्स, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स करके हम इसको आगे चल के और तेज गति से बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध।